हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। ये मेकअप ऐसा है जो कि सभी मौसम में चलेगा, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में या फिर बारिशों के मौसम में, जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेटी और ऑयली होती है स्किन, उस टाइम के लिए ये मेकअप टोटली सूटेबल है। सभी प्रोडक्ट्स जो मैं इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ, उन्हें मैंने बहुत दिनों तक ट्राई किया है, टेस्ट किया है, पूरा पूरा दिन मेरे फेस पर जो स्टे करते हैं उन्हीं मेकअप प्रोडक्ट्स को मैं यूज़ करके आज आपको दिखाने वाली हूँ। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो के टाइटल को क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट के नाम और लिंक्स दिखेंगे, तो वहां से आप इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। मेकअप को क्रिएट करने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है। मैक्सिमम टाइम आपको 15 मिनट लगेंगे पूरा मेकअप करने के लिए। अगर आपको मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एकदम क्लीन फेस से स्टार्ट करना है। फेस वॉश करने के बाद चेहरे पे हल्का सा कोई लाइट वेट मॉइस्चराइज़र लगाना है। आफ्टर दैट पोर्स फिल हो जाए, कुछ इस तरह का प्राइमर होना चाहिए है ताकि स्किन एकदम से मैट रहे। सिलिकन बेस्ड, जेल बेस्ड प्राइमर बारिशों के मौसम में, ह्यूमिडिटी मौसम में मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ यूजुअली। और फिर लगाना है हमें कोई मैटिफाइंग फाउंडेशन और लाइट सी लेयर लगानी है। मैं यहाँ पर मिलानी का फाउंडेशन लगा रही हूँ। इसी का दूसरा ऑप्शन मैं आपको मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन फाउंडेशन दे सकती हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और लॉन्ग लास्टिंग है। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन से कितनी अच्छी कवरेज मिल गई है, और ये फाउंडेशन ज़रा सा मेरे चेहरे पर लाइट है बट अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कॉम्पैक्ट। इस मौसम में कॉम्पैक्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जेनरस अमाउंट में लगाना ज़रूरी है। पैट पैट करके मैंने अच्छे से लगा लिया है, स्मूदनिंग और मैटिफाइंग वाला एक बढ़िया सा कॉम्पैक्ट, और हर 2 घंटे के बाद टचअप करना भी कॉम्पैक्ट से ज़रूरी है। देन मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रोज। इफ़ यू कैन अफोर्ड देन आप एनेस्थेशिया बेवरली हिल्स का ब्राउ विज ट्राई आउट कर सकते हैं, एन एन आउ पर अवेलेबल है। इफ़ इन केस नॉट, तो मैं अपना दूसरे आईब्रो कर रही हूँ एले गर्ल के आईब्रो पेंसिल से, जो कि काफ़ी हद तक एनेस्थेशिया बेवरली हिल्स जैसा ही है। अच्छे से अपने ब्राउज़ को मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे बहुत लाइट आईब्रोज़ है, तो मैं बहुत ही हल्के हल्के स्ट्रोक से आईब्रो हेयर बनाने की भी कोशिश कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हैं इस टाइम पर मेरे दोनों आईब्रोज़ में डिफरेंस, कि बिना आईब्रोज़ के या फिर बिल्कुल हल्के आईब्रोज़ के साथ भी कितना ज़्यादा डिफरेंस एक आईब्रो पेंसिल बना सकती है। ऑल्सो आईब्रो पेंसिल डेफिनेटली फ्रेम्स द शेप ऑफ फेस, तो आईब्रोज शेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर एले गर्ल की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं दोनों ही, एनेस्थेशिया की थोड़ी ज़्यादा अच्छी है बट एले गर्ल की भी कोई कम नहीं है। अच्छे से आईब्रोज़ कर लिए हैं, बीच में से थोड़ा सा फेडेड वाला लुक देना होता है बिकॉज़ यहाँ पे नेचुरली हमारे लाइट होते हैं आईब्रोज़, और दोनों को जस्ट इक्वल करना है कैसे भी, विच इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट बट कोई नहीं, हो जाता थोड़े टाइम में। देन वैसे तो मैं अभी अपना आई मेकअप वगैरह वो करती, लेकिन मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जस्ट इतना सा मेकअप किया आपने एंड एक अच्छी सी मैट लिक्विड लिपस्टिक लगाई, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट एज वेल। एवरी डे लुक्स में इतना मेकअप भी सफिशियंट लगता है, ज़रूरत नहीं लगती है इससे ज़्यादा मेकअप करने की, बट देन डेफिनेटली हम इसको एक स्टेप आगे लेकर के जाएंगे। मैं यहाँ पर अलग से आई शेडो पैलेट यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा सा एले गर्ल का पिगमेंटेड वाला ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा पिंक कलर है, इसको मैं अपने आईलेट पे सिंपल आई शेडो ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। बहुत ही लाइटली लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। यहाँ पर आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी नाइस वॉश ऑफ कलर। बहुत ज़्यादा हमें आई शेडो का कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जस्ट हल्का सा ऐसे कलर लगा लेना है लिड एरिया पे और उसे ट्रांजिशन लाइन के साथ ब्लेंड कर लेना है, दैट्स इट। नाउ यूजिंग अ ब्लश ब्रश और अ फैन ब्रश, मैं ब्लशर लगाना प्रेफर करती हूँ, तो मैं ब्लशर को इस तरह से लगाती हूँ कि थोड़ा सा कॉन्टोरिंग वाला इफेक्ट भी आ जाए जस्ट अबव माई कॉन्टोर लाइन, और बहुत पिगमेंटेड है तो जस्ट ज़रा सा मैंने लगाना है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं लगाना है। मैट ब्लशर है विद वेरी फाइन शिमर्स, शिमर्स एक्चुअली गाल पर आते भी नहीं हैं, तो ओवरऑल एक अच्छा सा चेहरे पे ग्लो आ जाता है एंड ओवरऑल एक मैट फिनिश ही मिलता है। सभी प्रोडक्ट्स मैं मैट ही यूज़ कर रही हूँ ताकि चिपचिपे मौसम में बिल्कुल भी हमें संभावना ना रहे कि मेकअप हमारा मेल्ट हो या बहे। और ज़रा सा ब्लशर मेरा एक साइड ज़्यादा हो गया था, तो ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने ऊपर से डैप डैप कर लिया है, तो एक्सेस ब्लशर ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा और ये मोनोक्रोमैटिक हो गया है मेकअप बिकॉज पिंक आई शेडो है, पिंक ब्लशर है एंड पिंक लिपस्टिक है। इस आई शेडो और ब्लशर के साथ आप लिपस्टिक का कलर कोई भी लगा सकते हैं, वो
बहुत ही अच्छे से सूट कर जाएगा। नाउ आई एम यूजिंग लिक्विड आईलाइनर। लिक्विड आईलाइनर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं यूजुअली, एंड स्पेशली दिस पर्टिकुलर लिक्विड आईलाइनर स्टेकवर्की का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आईलाइनर है, पूरा दिन स्टे कर जाता है, कितने ही पसीने आए कुछ आए ये आईलाइनर नहीं उतरता है। इस चिपचिपे मौसम में भी दिस आईलाइनर एक्चुअली स्टेज ऑन आईज फॉर फुल डे लॉन्ग, एंड सो सेम गोज विद दिस मस्कारा। कलर बार का मस्कारा है, अफोर्डेबल भी है, ऊपर से इतने अच्छे ब्रांड का है। आई थिंक सभी प्रोडक्ट्स जो भी वीडियो में मैं यूज़ कर रही हूँ वो क्रुएल्टी फ्री है, एनिमल्स पर टेस्टेड नहीं है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। कलर बार के मस्कारा में एक साइड है लेंदरिंग वाला, एक साइड है वॉल्यूमनाइजिंग वाला। पहले मैं लगा रही हूँ लेंदरिंग मस्कारा ताकि मेरे आईलैशेस को अच्छे से पहले तो लेंथ मिल जाए, अच्छे से मैं लगा लूँगी 2-3 कोट्स अपने अपर लैशेज में भी, साथ ही में मैं अपने लोअर लैशेज में भी इसको पहले लगा लूँगी। आप चाहें तो खाली लेंथनिंग वाला साइड लगा सकते हैं या चाहें तो खाली वॉल्यूमनाइजिंग वाला साइड लगा सकते हैं। अगर खाली एक ही साइड लगाना हो तो मैं ज़्यादातर वॉल्यूमनाइजिंग वाला साइड प्रेफर करती हूँ, बट अगर लेंथनिंग और वॉल्यूमनाइजिंग दोनों ही लगाने हैं, यानी कि फ्लटरी लैशेज वाला लुक चाहिए कि अच्छे अच्छे से खूब सारे खिले खिले भी लगे और लेंथ भी मिले, तो पहले लेंथनिंग वाला लगाइए उसके बाद वॉल्यूमनाइजिंग वाला, तो ओवरऑल ज़्यादा अच्छा अपीयरेंस आता है एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि पहले कैसे थे बिना मस्कारा के आईलैशेज एंड आप कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, ओवरऑल एक अच्छा सा फिनिश आ जाता है। नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली एन एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप जो कि एवरीडे में मैं इतना नहीं करती हूँ, बट इफ़ यू वांट यू कैन गो अहेड विद दिस, एंड इवन पार्टीज़ में तो डेफिनेटली मैं कर ही लेती हूँ ये स्टेप। सो आई एम जस्ट कॉन्टोरिंग अ लिटल स्लाइट लाइट कॉन्टोरिंग मैं यहाँ पर अपने फेस पर कर रही हूँ यूजिंग एन अमेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। अफोर्डेबल भी है, बहुत अच्छा है, इसी का आप चाहें तो कॉम्पैक्ट वाला पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, तो अलग से आपको एक कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर ऐसे सिचुएशन में। अच्छे से मैंने अपने नोज़ को कॉन्टोर कर लिया है फ़ैन ब्रश की मदद से और अपने साइड्स ऑफ फेस को भी कॉन्टोर कर लिया है। अब मैं एक मैट सेटिंग स्प्रे से अपनी मेकअप को सेट कर रही हूँ ताकि मेकअप मेरा अच्छे से और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बने। सो दैट्स इट फॉर टुडेज मेकअप लुक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।